मेरे व्लॉग में जो फीचर होने वाले हैं उनसे मैं आपको मिलाती हूँ। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। वो खबर ये थी कि हम जा रहे हैं टूर पे, तो टूर पे जा रहे हैं हम अपने व्यूअर्स को लेकर। और कराची एयरपोर्ट की जो हमें फीलिंग आती है कराची वालों को, सही बात, टॉप ऑफ द लाइन। ये जिंदगी में फ्लाई जिना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो है मैं बड़ी खिली खिली सी लग रही हूँ, उसकी वजह बहुत सारी है। आज आपको एक सुनानी है बहुत बड़ी खबर, हमारे व्लॉग्स के हवाले से भी और कुछ और भी है। मगर उससे पहले, उस खबर से पहले, मेरे व्लॉग में जो फीचर होने वाले हैं उनसे मैं आपको मिलाती हूँ। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया उनको जानती है। वो आ गए हमारे घर पर हसन से मिलने के लिए, तो हम ज़रा आपकी मुलाकात भी उनसे करवाते हैं। जी जनाब, तो मिलवाते हैं आपको उनसे। वो आए हमारे घर के बाहर हसन से मिलने, और मैं उनको कह रही हूँ कि अंदर आ जाएं, मगर वो कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, बहुत जल्दी मैं हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। तो फिर अब आपकी मुलाकात कराते हैं उनसे। एंड यस, दिस इज सिद्दीकी वास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बॉस क्या हाल चाल है? हमारे तो आज नसीब खुल गए। क्यों? बॉस हमारे घर आ गए। ये मसले ऐसी चीज होती है, हाँ, जिनको हल करने के लिए एक दूसरे से रابطے करने पड़ते हैं। हम अभी मसले में फंसे हैं। मगर बॉस एक बात बताएं, आज तो हमारा जो है ना दिन बन गया। आज आप इधर देखें ना, हसन को 5 मोबाइल लेके बैठा हुआ, एक इंटरनेट की डिवाइस लेके बैठा हुआ। अब ये आपके बॉस, हाँ, जाने से पहले, हाँ, एक शेर जबरदस्त वाला। मेरी अलमारी को खंगालो भी तो क्या मिल सकता, कुछ तस्वीरें दर्द भरी कि जिनसे कलेजा हिल सकता है। मेरे सुकून को छीन के कहते हो कि खुश रहो, अब तेजाब शाखों पे डालो तो क्या फूल खिल सकते। सुभान अल्लाह, वाह जबरदस्त, थैंक यू। थे हमारे हर दिल अजीज भाई सिद्दीकी बॉस, और मैंने सोचा कि मैं इनके साथ एक टिकटॉक भी बना लेती हूँ, मगर चूंकि ये लोग किसी चीज में उलझे हुए हैं, हसन और बॉस दोनों, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम चलते हैं। मैंने बनाया कोरमा, सुनाती हूँ आपको एक बड़ी खबर बहुत जल्द, बल्कि इसी ब्लॉग में। फिर चलते हैं हम लोग शॉपिंग पे, और शॉपिंग क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं वो दिखाते हैं। सिद्दीकी बॉस, कभी आप गाड़ी में, कभी आप यहाँ, क्या आपको घर के अंदर आना मना है? घर के अंदर आना मना नहीं है। ये जितना जबरदस्त मौसम हुआ है और जितनी अच्छी हमारी डिस्कशन चल रही है, वो हसीन मंजर है, सुना इसके ऊपर। हसीन मौसम है, मंजर है, यार का इंतजार करता हूँ। और कोई तो इसको बता दे, मैं इससे बेफना प्यार करता हूँ। हम लोग यहाँ डिस्कशन, इतनी खुशी मुझे आज तक हम जो है बैठे थे, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि पैसा कमाना जरूरी है कि इज्जत कमाना जरूरी है। फिर क्या तय हुआ? इज्जत कमाना जरूरी, पैसा आ जाएगा, है ना। और आपका जो एक छोटा सा छोटा छोटा चेला है ना, वो ये रहा। हाँ, ऐसा भी पढ़ा मैंने इसके साथ। अरे अभी अवराज ने ऐसा शेर पढ़ा, पढ़ के सुना। तुम क्या जानो मोहब्बत के मीम का मतलब, मिल जाए तो मौजजा, ना मिले तो मौत। बॉस ये असल में आपके सामने इसकी आवाज नहीं निकल रही। इसका अंदाज अगर ऐसे करो ना, तुम क्या जानो मोहब्बत के मीम का मतलब, मिल जाए तो मौजजा, ना मिले तो मौत। समझे? हाँ जी जनाब, तो अब जो है वो मैं आपको बताने जाती हूँ कि हम जो सरप्राइज आपको देने वाले थे वो क्या है। एक्चुअली हुआ ये कि पिछले कई सालों में हम बहुत सी जगह पे गए, बहुत सी यूनिक चीज़ें हुई जिसको मैं अपने व्लॉग में जो है नहीं ले सकी, क्योंकि मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। तो जब मैं व्लॉगिंग की दुनिया में आई, तब हम आपको दिखाते रहे अपने घर के सारे जो लाइफस्टाइल है हमारा, और हमारा क्या खाना पीना है, कैसा हम कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं खाने जा रहे हैं, कहीं शॉपिंग जा रहे हैं, तो हम आपको अपने साथ रख रहे हैं, दुख में भी साथ हैं, खुशी में भी साथ हैं। और मेरे लिए सबसे ब्लेसिंग की बात यह है कि मेरे जो तमाम व्यूअर्स हैं वो मेरे लिए इतनी दुआएं करते हैं, मुझे इतने इनबॉक्स मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आ रहे होते हैं, DMs आ रहे होते हैं कि भाई आपके लिए बहुत सारी दुआएँ हैं, आपको क्या हुआ है, और फलां फलां इस तरह बहुत सारी बातें। तो वो सारी चीज़ें तो हमने आपके साथ शेयर की, मगर आज जो मैं आपको अच्छी बड़ी खबर सुनाने वाली हूँ जिसके लिए हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, वो खबर ये थी कि हम जा रहे हैं टूर पे, तो टूर पे जा रहे हैं हम अपने व्यूअर्स को लेकर साथ में इंशाल्लाह।
और अगली जो तमाम व्लॉग्स हैं वो आप देखेंगे हमारे इस घर के अंदर के नहीं होंगे, वो कराची के नहीं होंगे। कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे वो तो आपको बताएंगे, बट हम जा रहे हैं फॉर फन। बट हमारी जो मेजर जो वहाँ पे जाने का मकसद है वो है हसन, और हसन को उसके कॉज के लिए, उसके इस मकसद के लिए, नेक काम जो कर रहा है और उसके दस्तरखान के लिए, उसकी एनजीओ के लिए, वी आर इनवाइटेड टू एन ओरिएंटेशन। कुछ हमारे सपोर्टर्स हैं, कुछ हमारे से मोहब्बत करने वाले हैं, कुछ हसन से मोहब्बत करने वाले हैं, जो चाह रहे थे कि हम हसन को लेकर पहुँचे वहाँ पे और ओरिएंटेशंस करें, हम कुछ CSRs करें जिससे उसकी एनजीओ के बारे में लोगों को खबर मिले कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। फिर काफ़ी दिनों से ये सारी चीज़ें डिसाइड होना चाह रही थी मगर कुछ पेंडिंग हो गई थी क्योंकि मौसम का हाल और ये सारी चीज़ें, बट एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ डिसाइडेड। तो इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग्स में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो मैं और हसन अकेले जा रहे थे, फिर बच्चियों ने हमसे कहा कि भाई हमारा क्या कसूर है, हमें भी जाना है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, हम दोनों जा रहे हैं तो फिर वील हैड फन, सो मच फन इंशाल्लाह विद किड्स, और आपको भी साथ रखेंगे, मेरे YouTube व्यूअर्स को, YouTube फैमिली को। तो जी जनाब, अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग पे, और जब आप ट्रैवल करने जा रहे होते हैं तो ट्रैवलिंग का सबसे मुश्किल मरहला होता है शॉपिंग करना, और मुझे तो उससे ज़्यादा मुश्किल लगता है पैकिंग करना। मेरा दिल चाहता है कि ज़ारा मेरे कपड़ों की सारी पैकिंग कर दे, क्योंकि शी नोज़ एवरीथिंग कि व्हाट आई वांट टू वेयर और मेरे शैम्पू कौन से हैं और फला फला एक्स वाई ज़ेड बहुत सारा कुछ। अब जो है वो हम थोड़ा सा कुछ सामान लेते हैं, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर हमें एक फैमिली से आपकी मुलाकात भी कराएंगे, मगर वो फैमिली से आप भी मिल चुके हैं। अभी हम कुछ चीज़ों को हाइड इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अगले व्लॉग में हम इंशाल्लाह खोलेंगे सारी चीज़ें। तो अभी हम कुछ शॉपिंग करते हैं उनके लिए भी, अपने लिए भी, और हमारे ट्रैवलिंग कॉज के लिए भी। तो निकलते हैं फिर और आपको वहाँ पे दिखाते हैं। जी जनाब, तो हम यहाँ पे आए हैं बच्चा पार्टी में, और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें लेनी है बच्चे की, तो वो लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारा रश है क्योंकि बच्चों की स्कूल खुलने वाली हैं, और आपको पता है यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ें हैं अबाउट स्कूल, बैग्स वगैरह सारा कुछ। तो अब ज़रा ये देखते हैं, ये वाला सेशन जो है ये बच्चों का है, इसमें से कुछ अच्छा अच्छा देखते हैं। ये जो रेंज है ना, ये 3 अगस्त की लगी हुई है, 14 अगस्त की, बच्चियों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है, और शलवार कमीज भी है। वाओ क्यूट, ये बच्चों की छोटी छोटी सी चीजें हैं। ये बेबी सोफास भी हैं छोटे छोटे से। जनाब, वी आर डन विद इट, यहाँ पे लाइन बहुत लंबी है, अल्लाह करे कि हमारा जो नंबर है वो जल्दी से आ जाए क्योंकि बहुत रश है सब, वो वीकेंड है। तो हमने जो जिन बच्चे का गिफ्ट लेना था वो ले लिया है, और आपको दिखाया भी है, अब इंशाल्लाह उससे भी मिलवाएं। जी जनाब, वी आर एट डॉलमेंट मॉल तारिक रोड, यहाँ पे हमने कुछ लेना था साया से, तो साया से हमने वो लिया। अब हम जा रहे हैं खाड़ी, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे हमसे किसी ने कुछ मंगवाया है तो हमें लेके जाना है। अब खाड़ी जा रहे हैं और फिर जाएंगे इम्तियाज। हमने ले लिए चैपस्टिक। 3 hours later जनाब, तो अब जो है सुबह हमारी रवानगी है, और हम जो हैं अब सबसे मेरे लिए सबसे मुश्किल जो मरहला है वो है पैकिंग करना। मुझे बहुत स्ट्रेस होता है पैकिंग करने के लिए। मैंने ज़ारा को बोला कि ज़ारा तो मेरी हेल्प करवाओ, हम जल्दी जल्दी मिलके पैकिंग कर लेते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह हो चुकी है और वक्त आपको नज़र आ रहा होगा, इस वक्त 9:15 बज रहे हैं, और मुझे आई हेट मॉर्निंग फ्लाइट्स, मगर मजबूरी थी क्योंकि हमें एक जगह पहुंचना है, बहुत वक्त पे पहुंचना है, तो वक्त पे निकलना भी था।
तो वरना मैं यूजुअली जो है प्रेफर करती हूँ इवनिंग फ्लाइट्स या नाइट फ्लाइट्स, तो बट एनीवेज सुबह की फ़्लाइट होती है तो मुझे पूरी रात स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि मैं बिल्कुल स्लीपलेस हूँ, मुझे बिल्कुल मेरी नींद नहीं हुई, और मैं और हसन जागते रहे, ज़ारा और मरियम ने तो फिर भी थोड़ी बहुत नींद कर ली थी, तो बस अब जो है वो चाय मैंने पी ली थी उठ के, बल्कि उठ के क्या मतलब सोई नहीं तो फिर ऐसे ही उठना मतलब बेड से उठ के मैंने चाय पी ली, और अब जो है मैं रेडी होने जा रही हूँ, और अब रेडी होके आपसे मुलाकात करते हैं। जी जनाब, तो हम रेडी शेडी हो चुके हैं, अब आपको एयरपोर्ट पे मेरा फुल लुक भी नज़र आएगा। जब आप ब्लॉगर बन जाते हैं तो जो बैग आपका 20 किलो का होता है वो 40 का हो जाता है, ये मैंने पहली बार महसूस किया। तो बस रेडी हो गए, बच्चे भी रेडी हो गए, और अब निकलते हैं। आप भी और ऑन द वे टू एयरपोर्ट। मौसम कराची का बहुत अच्छा है, मगर सुना है कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का मौसम बहुत गर्म है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट आई होप सो कि हमें बारिश मिल जाए, और नींद बहुत जोरों की आ रही है मुझे। जी जनाब, तो टिकटिंग काउंटर से हम फारिग हो गए। फ्लाई जना के बारे में भी आज आपको बताती चलूँ, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। सबसे पहली बात तो ये थी कि फ़्लाई जना की जितनी जो एयरलाइंस हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, वो सुना है कि नए हैं, तो अब जाके देखेंगे। दूसरी चीज़ ये थी कि हमें सबसे चीपेस्ट जो है, क्योंकि मैं और हसन स्पॉन्सर्ड थे, तो बाकी दोनों बच्चियों की जो फ़्लाइट मिली वो बहुत चीपेस्ट मिली, सबसे सस्ती, तो समझे तकरीबन 15,000 रुपए की ऑलमोस्ट, तो वो हमें मिली। फिर उसके बाद अभी टिकटिंग काउंटर पे स्टाफ बहुत अच्छा था, तो उन्होंने जो है वो मेरा और हसन का जो बैगेज था वो चूँकि पहले से लिया हुआ था, स्पॉन्सर्ड था टिकट, तो उसमें एक एक बैग अलाउ था, तो उन्होंने जो है हमें ये किया कि भाई आप जो है बच्चियों के बैगेज भी हमें दे दें, तो हम इसको कर लेते क्योंकि फ़्लाइट में स्पेस है, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। मैंने फ़ूड का पूछा तो उन्होंने कहा कि फ़ूड आपको अब वहीं पता चलेगा फ़्लाइट के अंदर ही, कि आपको 2 persons का फ़ूड लेना है, आपकी मर्ज़ी है नहीं है, अब हम देखते हैं कि फ़ूड का कोई चार्ट मिलता है, मेन्यू मिलता है या क्या है क्या नहीं। तो ये है, अब हम जा रहे हैं, देखते हैं, बच्चों को भूख लगी हुई है, नाश्ता करते हैं। जी जनाब, तो बस हम यहाँ पर आ गए अब वेटिंग एरिया में, और बच्चों को लगी थी भूख, तो अब जो है वो हेलो हसन है ना, इतनी लग रही है कि बोला नहीं जा रहा, हसन के वोकल ख़त्म हो गए। नहीं बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है, हसन अभी जाना ही अपने बोल की वजह से जाता है, मगर वो बोल कंटिन्यूसली मतलब एकदम सांस छोड़ी, हाँ मगर बार बार वोकल बोल रहे हैं, भूख हसन भाई, भूख हसन भाई, भूख 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 भूख। एयरपोर्ट वाली फीलिंग है ना, ये इसका मुकाबला कहीं नहीं है, और कराची एयरपोर्ट की जो हमें फीलिंग आती है कराची वालों को, सही बात, टॉप ऑफ द लाइन। एटीएम में भी ऐसा मजा नहीं नहीं मतलब ये जो एक्साइटमेंट है ये बच्चों को तो होती है, मुझे भी ये वाले मोमेंट की एक्साइटमेंट बहुत होती है। अच्छा, प्लेन में बैठ के मुझे बड़ी वो होता है कि भाई जल्दी से सफ़र गुजरे, जल्दी से हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचें। तो बच्चों ने ऑर्डर कर दिया ये मैके से, मैका है ना, मैके मैके बर्गर वर्गर लिए हैं, कुछ फ्राइज, और हजारा ने रैप लिया है, सो दैट इज़ अराउंड एक आपको मील मिली है इनको 690 की तकरीबन, अब मुझे पता नहीं है इसका टेस्ट कैसा और क्या है। जी जनाब, तो ये बर्गर और फ्राइज आ चुके हैं, मेरे फ्राइज हैं नहीं, मेरा सिर्फ बर्गर, मेरा क्यों बर्गर है और रैप किसका, आपका सारा का, मेरा बर्गर है, आपको पूछ रही है मेरा क्यों बर्गर है, मेरा फ्राइज क्यों नहीं है, ये कह रही हूँ मेरा सिर्फ बर्गर क्यों है। चलो खैर है, मैं तुम लोगों में सिर्फ फ्राइज खाती हूँ, झपट झपट। बस सिर्फ पेट भर सकता है, लग रहा है भूख बहुत लग रही है, टेस्ट इतना अच्छा नहीं है। 4,000 रुपये जो हमें 3 बर्गर 1 रैप 3 फ्राइज और 3 कोल्ड ड्रिंक के लिए,
मैं समझता हूँ KFC या मैकडॉनल्ड्स में हमें इतना बड़ा शेयर बॉक्स मिल जाता है, दो शेयर बॉक्स मिल जाएंगे इस रेट में। तुम्हें मुझे माइक लगाना पड़ेगा, तुम्हारे वोकल खत्म। तो मैं जो हूँ वो ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही जो है वो बकवास खाना है। बकवास नहीं बोलते, टेस्टी नहीं है। टेस्टी नहीं है और महंगा बहुत है। अब ये मैं दिखाना चाहूंगा कि इन्होंने 4000 रुपए में जो फ्राइज दिए हैं वो 3 दिए हैं और ये चाय के कप में दिए। अब मैंने अभी कुछ नहीं खाए, सिर्फ 3-4 दाने खाए होंगे, ये फ्राइज दिए इन्होंने। जितने फ्राइज ने मेरी मुट्ठी में आ गए। अच्छा देखिए, जहाँ पे कॉन्स होते हैं वहाँ पे प्रोज भी होते हैं। तो एक प्रो मैं जो हूँ मैके का जरूर बताऊँगा, मुझे वो एक ही नज़र आए, हाइजीनिक बहुत है और सेकेंडली स्टाफ अच्छा है। स्टाफ अच्छा है, वेल मैनर्ड स्टाफ है, अच्छा है और सर्विस भी टाइमली की है। बस जिस चीज़ की सर्विस की है ना वो अच्छी है। जब हम सफ़र स्टार्ट करते हैं तो हम सफ़र की दुआ पढ़ते हैं। बिल्कुल। खुश भी होते हैं। बिल्कुल। एक्साइटेड भी होते हैं। बिल्कुल। मेरा ख्याल है हमें जाके 2 रकात नफले शुक्राना, अरे 2 रकात नफले शुक्राना अदा करते और फिर रवाना होते। ठीक है, ठीक है। अरे तुम ये क्या लेके बैठी हो? मैं हकीकत बताता हूँ, आपको सिखाया जा नहीं रहा है और ये जाती है मामा इसको बोले छोड़ो दो जरा, अगर इतना गंदा है। ये हकीकत, मुझे रैप्स बहुत पसंद है, मैं शावरमा की बहुत ज़्यादा। छोड़ दो अगर नहीं समझ आ रहा तो। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, खाऊं कैसे मम्मा? मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि सेम टाइम पे एयरसी आला है, सेम टाइम पे फ्लाई जिना है और आधे घंटे पहले जो थी वो एयर ब्लू थी। तो इस वक्त सबसे चीपेस्ट फ्लाइट जो है वो फ्लाई जिना की है और सबसे एक्सपेंसिव जो है वो एयर सियाल है। तो फ्लाई जिना मुझे जो उन्होंने ऑफ़र की थी दोनों बच्चियों के लिए, दैट वाज अराउंड 15,000 समथिंग 300। जो एयर सियाल थी जो कि हम नहीं ले सकते थे क्योंकि हमें तो फ्लाई जिना में ही जाना था मुझे और हसन को, मगर मैंने फिर भी पूछा तो एयर सियाल वॉज लाइक 23,000 रुपीज़ वन वे। बाकी सब कुछ दिखा चुके हैं मगर हम जा रहे हैं लाहौर और आगे हमारा टूर है, क्या है क्या नहीं है वो आपको बताएंगे। दैट इज़ नॉट प्लान्ड एक्चुअली, क्योंकि हमारा जिस मकसद से हम जा रहे हैं वो हमें पूरा करना है और वो पूरा करते करते अगर हमें रास्ते में हमारे लिए कुछ ऐसा वो ट्रिप जो है प्लेजर ट्रिप बन गया तो फिर तो बात ही क्या है जी। हमारा जहाज़ आ चुका है फ्लाई जिन्ना। लेकिन अच्छे से 20 से 30 मिनट से गुजारने की जरूरत है। गेट नंबर 13 से जाते हुए शीघ्र जाएं। शुक्रिया। अटेंशन प्लीज, इसका अगला फ्लाइट है फ्लाइट 8342 टू लाहौर, व्हिच इज डोजोर सिटी फ्रॉम 20 टू 29। पैसेंजर्स डोजोर सिटी फ्रॉम 20 टू 29 आर रिक्वेस्ट टू पोस्ट टू गेट इनक्राफ्ट फ्रॉम गेट नंबर 13। थैंक यू। अनाउंसमेंट हो गई है फ्लाइट जिन्ना की परवाज़ 3-3-3 लाहौर रवानगी के लिए तैयार है। मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि वो गेट नंबर 13 पर तशरीफ़ ले जाएं। शुक्रिया। अब हम चलते हैं, बल्कि हमारी टर्न शायद सेकंड उसमें है क्योंकि ये बिल्कुल फर्स्ट रो है। तो लेट्स वेट और फिर हम चलते हैं अंदर, मिलते हैं। वाली सीट्स को देख के कि हमने शारजा में ट्रैवल किया था एयर अरेबिया में और ये उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया है फ्लाई जिना। और अगर आप दुबई जाते हैं तो आपको सबसे चीपेस्ट फ्लाइट मिलती है एयर अरेबिया की जो शारजा में उतरती है, तो ये उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है फ्लाई जिना। अच्छा, इनकी सीट्स बहुत कम्फर्टेबल हैं, काफ़ी स्पेशियस हैं और हम आके बैठे हुए तो हमें मतलब फ़ील नहीं हो रहा कि हम कोई हमारे पैर जो हैं वो मतलब तकलीफ़ में है या आगे जो है पैरों को लंबा करने की यानी स्ट्रेट करने की जगह नहीं है। और बैठने में भी बड़ा अच्छा कंफर्टेबल है, बिल्कुल एक दूसरे से टच नहीं हो रहा ऐसा नहीं है। ज़बरदस्त स्पेशियस सीट्स हैं, अच्छी सीट्स हैं, एयरक्राफ्ट भी बड़ा है, साफ़ सुथरा है, हाइजीनिक बिल्कुल क्लीन नीट है। और अब बताते हैं आगे होता क्या। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपने नशिस की पेटी ना बांधे हुए अपनी नशिस बरकरार रखें और अपने मोबाइल को बदस्तूर बंद रखें। बॉम्बे छा गया तो कचरा निकला है, इसमें भी आलात इस्तेमाल कर रहे हैं जो है वो मेन्यू देख रहे हैं। कोई मंगाने जा रहा तो नहीं है, लेस वेस ही मंगाने। इसमें सिर्फ मेन्यू देख रहे हैं। एक एक कोका छोटा
कसोरे डाल दूंगा कोको। हसन तुम कैसे मेन्यू देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जेंडर्स देख रहे हैं। ये जिंदगी में सारा क्या कर रही हो, क्यों सर मार रही हो, क्या किया जिंदगी में, जिंदगी में, जिंदगी में। तो जी जनाब ये है मेन्यू कार्ड और मैं आपको दिखाती हूँ जरा मेनू, मेनू ये मेनू कार्ड है, मेनू कार्ड मेनू तेनू तेनू मेनू। और अभी तक प्लेन चला नहीं है, देखें ऐसे खड़ा हुआ है दो प्लेन सामने, इसमें से दोनों की लड़ाई हो रही है। मैं चलूंगा तू चल। एयर सियाल कह रहा है मैं जाऊंगा, फ्लाई जनाब कह रहा है मैं जाऊंगा, तो पता नहीं फैसला किसके हाथ में आता है। खैर मैं आपको दिखाती हूँ, ये 600 रुपए का अंडा वंडा है, चिकन पराठा जो है वो 550 रुपए का है, मफिन 250 के हैं, क्रॉसो 250 का है, सलाद जो है ये वाली चार, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीस आएंगे 350 के। सीजर सैलेड है 700 रुपए की। स्टार्ट हो गया मेरा पहला बीफ अफगानी पुलाव है 800 रुपए का, चिकन बिरयानी विद पुलाव विद कटलेट है, तंदूरी चिकन है, फूसिया चिकन पता नहीं क्या क्या है, क्लब सैंडविच है 600 रुपए का, और चीज़ एंड मैरिनारा बर्गर है 400 रुपए का, और फिर ये बच्चों की चीज़ें हैं 200, 150 स्नैक्स सारी, चॉकलेट लेयर डेरी मिल्क किट कैट और ये ड्रिंक्स हैं। ये बच्चों की नहीं है, मैं आपको बताती हूँ ये मामा की है। मामा सारा मेरा किट कैट कहाँ गया पता नहीं, आपके घर में ही पड़ा है। तो जी जनाब ये सारा जो है ये आप देखें, कम से कम भी पौना घंटा लेट है ये फ्लाइट। अब मैं आपको इस फ्लाइट की खसूसी बात बताती हूँ। आपने देखा होगा जो अभी मैंने आपको पिछला जो आपने देखा, इसके विंग्स जो हैं वो ऐसे टर्न है, ऐसे टर्न है। बाकी जो दूसरी फ्लाइट्स होती हैं कराची की, जो पाकिस्तान की जो हैं एयर सी आर पी आई ए और एयर ब्लू, उसके विंग्स सीधे होते हैं, इसके कर्व हैं। आप ज़रा देखें दोबारा से, बहुत टाइम लगा दिया इसने उड़ते उड़ते। एनीवेज तो इसके पर जो हैं वो कर्व इसलिए होते हैं क्योंकि इसकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है नॉर्मल प्लेन से, जिनके जो पर होते हैं विंग्स होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं। तो इसकी जो ड्यूरेशन है पहुंचने की वो नॉर्मल प्लेन से कम है। फ्लाइट में सफ़र किया तो मुझे ऐसा लगा कि
मैं आपको उसका रिव्यू ज़रूर करती हूँ। वो एक बॉक्स में था और उन्होंने एक पेपर शीट में जो है वो बिरयानी दी, जिसकी अमाउंट और प्राइस मैंने आपको दिखा दी जी। तो उसका जो सबसे इस फ्लाइट की मुझे सबसे वर्स्ट बात लगी वो ये लगी कि इसके अंदर का जो वेदर है, फ्लाइट के अंदर का जो टेम्परेचर कंट्रोल है, वो इन्होंने चिलर पे रखा हुआ है। मतलब हम लोगों से सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही, स्टिल मैं बर्फ़ हो रही हूँ, ठंडी बर्फ़ हसन वहाँ पे अलग जो है वो बिल्कुल चूजा बना हुआ है। तो उसका रीज़न ये है कि लोगों ने टेम्परेचर कंट्रोल नहीं रखा हुआ, इतना ज़्यादा चिल किया हुआ है। और मैंने जब इनसे कहा कि आप एक ब्लैंकेट या कोई चीज़ ऐसी है जो ओढ़ने के लिए दे सकें, तो उन्होंने कहा वी डोंट हैव एनीथिंग इन दिस फ्लाइट। हालांकि दूसरी एयरलाइंस में ज़ाहिर है, तो डेफिनेटली प्राइस के फ़र्क की वजह से एक 15,000 और एक 24,000, तो दोनों के फ़र्क की वजह से वाज़े फ़र्क नज़र आता है। ख़वातीनो हज़रात, अब जब के हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया है, स्काई टाइम तफरीही निज़ाम को गैर फ़ाल कर दिया जाएगा। वाईफाई सिस्टम दिया हुआ है जिसमें आप इनकी वेबसाइट से मूवी और सब देख सकते हैं, तो ये आपको वीवर मिलेगा, इससे आप ऑन कर सकते हैं। ये उन्होंने स्काई टाइम दिया हुआ है और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि हम खैरियत से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो हम जो है बस हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, सामान लेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे अपने आरामगाह पे। ये है लाइफ स्टाइल विद सुमैया की ट्रैवल सीरीज़ में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं अपनी फ़र्स्ट ट्रैवल सीरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ इंशाल्लाह, और बेस्ट होगा बेस्ट। सो स्टे ट्यून्ड, इस ट्रैवल सीरीज़ को हर ब्लॉग को गौर से देखें। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अपनी ट्रैवलिंग के साथ साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी दूँ जो आपकी ट्रैवलिंग में आपके काम आए। ठीक है जी, तो अपने ब्लॉग को करते हम यहीं एंड। लाहौर बस आई है तो अपने ब्लॉग को करते ख़त्म। अगला ब्लॉग देखने के लिए आपको मेरी सीरीज़ पूरी देखनी पड़ेगी। मिलते हैं फिर, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हाँ, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और हंसते मुस्कराते रहिएगा, टर्बुलेंस होगी।